हेलो गाइस, दिस इज स्वाति एंड आई वॉच द लॉस्ट ऑली, जो कि 24 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक मिनी सीरीज़ है। इसमें चार एपिसोड है और हर एक एपिसोड 52 से 55 मिनट्स तक का है। एंड ये जो है, ये एक हाइब्रिड सीरीज़ है। इसमें लाइव एक्शन और एनिमेशन को बहुत अच्छे से, एक तरीके से सीमलेसली ब्लेंड किया गया है। और इसमें चार जो है, तीन टॉयज़ हैं और एक बिली है, उसकी कहानी है बेसिकली। जो ऑली है वो एक बनी या रैबिट टॉय है जो बिली का है, और बिली एक बच्चा है जो इस समय बहुत टफ टाइम्स से गुजर रहा है। और उस टाइम पर उसका जो टॉय ऑली है उससे अलग हो जाता है, जो उसका बहुत बचपन से, बहुत छोटे से उसके साथ रहता था वो टॉय। उसकी माँ ने उसके लिए वो टॉय अपने डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी वाली चीज़ों से बनाया था, तो वो बहुत स्पेशल टॉय है बिली के लिए। और इस समय जब उसकी माँ किसी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से सफ़र कर रही है और करते हुए एक डेथ हो जाती है उसकी मदर की, तो अब उस समय जब ऑली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बिली को, तब ऑली अलग हो जाता है। और यहाँ पर ऑली भी कोई बहुत मज़े में नहीं है, वो भी जो है बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है वो किसी तरीके से बिली के पास पहुंच जाए। वो थ्रिफ्ट स्टोर में दो, एक जोकर होता है जो जो उससे जो जो उससे मिलता है, और एक रोज़ी नाम की एक टेडी बियर होती है पिंक कलर की, कैंडी पिंक कलर की, और बहुत ज़्यादा अलग अलग पार्ट्स उसमें लगे होते हैं, तो उनसे मिलता है। काफ़ी अनयूजुअल से टॉय दिखाए गए हैं, उनसे मिलता है, और वो पुराने होते हैं, थ्रिफ्ट स्टोर में होते हैं, और फिर वो दोनों हेल्प करते हैं उसको, ऑली को बिली तक पहुंचने में। अब यहाँ पर जो ऑली है उसको रिमेंबर करना होता है कुछ चीज़ें जिससे वो वहाँ बिली तक पहुँच पाए, और उसमें वो अपनी मेमोरी लेन में जाता है। क्या क्या वो उसको, हमें भी उसी माध्यम से ऑली के जो फ्लैशबैक्स होते हैं, जो मेमोरीज होती हैं, उसके माध्यम से बिली के बारे में जानने को मिलता है कि बिली कौन है, उसके लाइफ में क्या चल रहा था, उसकी अच्छी मेमोरीज़ क्या थी, उसकी बैड मेमोरीज़ क्या थी, उसकी फैमिली में जब उसकी मदर को एक कैंसर डिटेक्ट हुआ था तब उसकी फैमिली में क्या चल रहा था, और उनके हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से क्या क्या सर्कमस्टांसेस थी, तो वो हमें सब ऑली के मेमोरीज से, फ्लैशबैक से पता चलता रहता है। और वो एक तरीके से कहें तो जो फर्स्ट टू एपिसोड्स हैं वो बहुत हार्ट वार्मिंग है, हैप्पीनेस लाते हैं, ऐसा लगता है सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। और जैसे ही थर्ड और फोर्थ एपिसोड आते हैं तो हार्ट ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है, जो है डार्क चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं ऑली की लाइफ में भी, और बिली की लाइफ में जो उसके थ्रू उसके फ्लैशबैक्स हो रहे हैं उसकी लाइफ में भी देखने को मिलता है। और जो प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे फ्लैशबैक्स भी आते हैं, प्रेजेंट में भी चलता है, और उधर इधर ऑली का भी प्रेजेंट चल रहा होता है और बिली का भी प्रेजेंट चल रहा होता है, और बिली भी अपने प्रेजेंट में ऑली को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। तो जो उसके साथ जो जो एक दिखाया गया है क्लाउन या जोकर, उसकी भी एक स्टोरी आती है कि वो क्यों ऑली को हेल्प कर रहा है, उसका क्या इसमें पर्पस है। और वो उसका जो चीज़ दिखाई गई है वो भी बच्चों के लिए बहुत शुगर कोट नहीं की गई है, दिखाया गया है कि वो किस चीज़ की सर्च में है, और जब उसको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो वो अपने वो उसे छूट गई है, तो उसका जो रियल सेल्फ है वो भी उससे छूटता जा रहा है, और वो कितना डार्क और एक तरीके से कहें रूथलेस बन गया है। और उसकी हेल्प करती है एक वही कैंडी कलर की जो वो होती है, टेडी बेयर टाइप की होती है, वो हेल्प करती है उसकी जोजो की, और वो उसको बहुत पसंद करती है एक तरीके से, शी वॉज इन लव विद दैट जोजो। लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं कि दोनों को अपार्ट होना पड़ता है या कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को बहुत कुशनिंग करके, बहुत हैप्पी इमेज या एक तरीके से कहें कि रोजी इमेज नहीं दिखाई गई कि लाइफ की जैसे है, होती है लाइफ, वो दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर टॉय स्टोरी से इस तरीके से ये अलग हो जाती है, जिस तरीके से टॉय स्टोरी में एंडी की लाइफ ज़्यादा नहीं दिखाई जाती थी, बट टॉयज़ के बारे में दिखाते रहते थे, बट यहाँ पर जो बिली है उसकी लाइफ दिखाते हैं, उसकी लाइफ में कितना टफ टाइम्स चल रहे हैं, उसको कितना कुछ फेस करने को हो रहा है, और साथ साथ उसको स्कूल में बुली किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ये यहाँ पर बस बच्चों के लिए नहीं होती है, यहाँ पर जो डार्क इमोशंस होते हैं, सॉरो, ग्रीफ, उसको भी दिखाया गया है, और एडल्ट्स भी इस चीज़ को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ उनको अच्छा लगेगा इसमें, सीरीज़ में है ऐसा। तो आप आराम से, मुझे ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई है, अगर आप इस तरीके की सीरीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। दैट्स इट, बाय बाय।